नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो जो है कंप्लीट जो है वीडियो सिर्फ हीफर्स के बारे में है और महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट सांगली से जो फार्मर्स हमारे पास आए हुए हैं उन्होंने तकरीबन 60 हीफर जो खरीदी की है, इसमें जर्सी, HF और हाइब्रिडेड काउस सभी जो फार्म की खरीद है वहाँ से बछड़ियाँ अच्छी खरीदी की है। तो कुछ हीफर जो हैं हमारे फार्म पे अवेलेबल हैं इस टाइम, उसकी वीडियो आपको शो कर रहे हैं और फार्मर जो हैं यहाँ पे उनसे भी आइए बातचीत करते हैं कैसा रहा उनका परचेज और बल्क में उन्होंने परचेज किया तो उनकी किस टाइप की डिमांड थी खरीदी करने की और कैसा उनका व्यवहार रहा, ये भी उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए, आप कौन सा जिला है आपका? सांगली डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी कितने कितने हीफर्स की खरीदी हुई आपकी? अभी 60 हुई। 60 की हीफर की खरीदी हुई है। तो पंजाब फर्स्ट टाइम आए हो आप? फर्स्ट टाइम आए। पहली बार जैसे पंजाब में आप खरीदी के लिए आए, तो मेन तो आपका फोकस था कि अच्छी फार्मों से खरीद करना, अच्छी ब्रीड के ऊपर फोकस करना। तो पहले जो मतलब जो खरीदी आपने परचेज की है उसके बीच में क्या क्या चीजें देख करके आपने खरीदी शुरू की अपनी? अच्छी ब्रीड वाली, अच्छी वेट वाली, जो एनिमल का अच्छा बॉडी वेट हो और कम उम्र की हो, अच्छी ब्रीड हो, यानी कि अदंत हो, दूध के दांत में हो। हाँ। मतलब 5-6 महीने से लेके 2 साल तक की खरीदी आपने की है बछड़ियों की। तो पहली बात तो ये कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी आपको इतने एनिमल भी आप इकट्ठे मिल जाएंगे। पहले आपका एस्टिमेट 30 का था, फिर 60 तक भी हो गया। हाँ। और आगे अभी आपने और कितने तक कितने एनिमल्स खरीदी करने हैं? और 140। टोटल 200 का टारगेट है अपना। तो पहली बात तो ये कि अपना ये बताइए कि यहाँ पे आए पंजाब में हमारे फार्म पे आए चोपड़ा डेयरी फार्म पे, तो आपका कैसा लगा हमारा व्यवहार? बहुत अच्छा लगा कि जो खरीदी भी किया, जो आपकी डिमांड थी हमने आपका किसी भी तरह से कोई भी दिन में या रात तक भी कोई टाइम तो जाया नहीं किया, जो चीज लेने वाली थी खाली सीधे ही उधर ही पहुंचे। ठीक है, जो एक दिन आपका मार्केट देखने का भी था कि मंडी भी देखनी है, पर एक दिन में पूरे में जब जिस दिन आप आए स्टार्टिंग में 2 घंटे में ही कितनी खरीदी हो गया था? 14 खरीदी। पर मतलब मंडी की अगर बात करें तो मार्केट में हमें आधे दिन में सिर्फ 2 खरीदी हुई। तो इससे ये है कि जो फार्मों से हमारी डायरेक्ट, हम सारे फार्मर्स को यही बोलते हैं कि हमारी खरीदी जो रहती है मेन फार्म से रहती है, क्योंकि फार्म का माल थोड़ा महंगा रहता है पर उसमें हमें ब्रीड का डिटेल और एनिमल का प्रीवियस लैक्टेशन जो मदर फादर रिकॉर्ड है वो मिल जाता है कि उसके जो मदर है वो अच्छे डाइट की हो, अच्छी सीमन की हो, तो उसकी जनरेशन अच्छी हमें पालने को मिले। तो अभी आप बछड़ियों के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो कि बछड़ियाँ लेने का आपका क्या मकसद है? महाराष्ट्र में ऐसी ब्रीड नहीं है। ठीक है, आप आगे की ब्रीड के ऊपर मतलब काम कर रहे हो? करने के लिए कि अगर आप गायें लोगे तो मतलब आप 4 साल पीछे जाओगे ब्रीड में, क्योंकि वो गायें जब पैदा हुई तो उस टाइम की अच्छी होगी ब्रीड, पर ये बछड़ियां जो हैं ये फार्म को 4 साल आगे लेके चलती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी सोच है, क्योंकि टेम्परेचर इस टाइम 40 डिग्री के आसपास है और ये बछड़ियाँ इतनी ड्यूरेबल होती हैं कि इनको कम खाएंगी तब भी चलेगा और अगर रेस्ट भी थकावट भी हो तब भी ये रिकवर कर लेंगी, क्योंकि इनका जवान खून होता है, थोड़ी यंग होती हैं और इनका बॉडी वेट अभी जितनी आप सेवा करोगे उतना बढ़ेगा भी। तो अभी मेरा भी यही विचार है कि एक बार आपसे मुलाकात करने वहाँ पे जरूर आए महाराष्ट्र में, क्योंकि आपका 200 तक का जो टारगेट है उसको अचीव करने में अगर आपका कोई दिक्कत आपकी भी है कि अगर उधर कोई सुजेशन सुझाव हमें देना पड़े तो वो भी आपको जरूर देंगे। तो बाकी आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इनकी लोडिंग का टाइम हो रहा है, काफ़ी लेट हो चुके हैं पहले, तो ट्रक वगैरह आप देख लीजिए वीडियो में कि यहाँ पे सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं। तो आपका गाड़ी का, लेबर का, सारी चीज़ का अरेंजमेंट करके दिया पूरा आपने? पूरा करके। तो आप लोग भी साथ में ही जा रहे हो ट्रक में, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके? तो ठीक है, बाकी हम वीडियो जो फार्म्स में से भी एनिमल लिए हैं वहाँ से खरीदी करके उन वहाँ से भी अपडेट करेंगे आपको। और आज की वीडियो यहीं तक हम एंड करते हैं, अगली वीडियो में आपको जो फार्म से खरीदी की है डायरेक्ट फार्म से लाइव होकर आपको वीडियो दिखाएंगे।